पेट भी नहीं है, क्या कमाने वाला भी नहीं है, मेरा तो बच्चे हैं, उन लोग को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई आदमी नहीं बोला है कि लोग रहेगा कैसे, 24 घंटा में खाया कि नहीं खाया अभी तक कोई नहीं पूछा। सरकार से बस यही कहना चाहेंगे जितना हम लोग का नुकसान हुआ है उसका भरपाई जल्दी करे, काहे कि बरसात का मौसम है और हम लोग रहेंगे कहाँ। तो इतना नहीं समझाती तत्काल का करेगा, कहाँ रहेगा बच्चा, का खाएगा ना खाएगा, उसको समझदारी कोई नहीं बताएगा, ना ही देरी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मांझी प्रखंड से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पे गगारी गांव में तिवारी टोला में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें मौजूद हूँ। यहाँ पे हाथियों का जो उत्पात है वो रात में जो है कि देखने को मिला, तकरीबन 25 से जो है कि 30 के बीच में जो हाथी थे वो इस गांव में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद जो है जो ग्रामीण का घर है उसको आप किस तरह से हाथियों के द्वारा तहस नहस किया गया, ये आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हाथी यहाँ पे उत्पात मचाए, इस 4 रूम के घर में जो है ना कि कोई एक रूम नहीं बचा जहाँ पे ये ग्रामीण अपने घरों पे सिर छुपा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, कोई ऐसा रूम नहीं बचा जहाँ पे ये लोग अपनी रात इस भीषण, जैसे कि बारिश भी का मौसम है, बारिश भी होती है, आप समझ सकते हैं कि अगर ये सर भी छुपाए या फिर ये किचन सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैस चूल्हा है वो गिरा हुआ है, जो घरेलू रोज़ाना जो यूज होता है कढ़ाही वगैरह है या फिर बाकी जो सामान है वो बिखरा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बयां कर रही है कि किस प्रकार से हाथियों को उत्पात रहा, और इस घर के जो मालिक हैं या फिर इस घर में जो रहते हैं उनके बीच में किस तरह का भय का माहौल होगा आप समझ सकते हैं। जो इनका रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होने वाला, इनके पलंग के ऊपर में आप देख सकते हैं कि हाथी के जो हाथी थे वो इस तरह से यहाँ पर तांडव मचाए, इस तरह से यहाँ तांडव मचाए कि देखिए सामान जो है कि एक के ऊपर एक गिर गया, और देखिए कितना वो ताकत से, कितना आक्रोश होकर, कितना वो गुस्से में जो है कि इस घर के ऊपर में उनका जो गुस्सा था वो कहर टूट पड़ा। और हाथियों का जो कहर है वो यहीं नहीं रुका, आप देखिए इधर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जो हाँ जो ये लोग अपना सामान रखते हैं, देखिए जो डेली यूज वाला कपड़ा रहता है अपना सुरक्षित रखने के लिए, जो बक्सा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग यूज करते हैं, आप देख सकते हैं पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का जो किताब है, बुक्स है, वो देख सकते हैं किस तरह से वो बिखरा हुआ है, इनका कोई सामान नहीं बचा। देखिए इधर दीवार की बात करें तो देखिए पूरा ओपन हो चुका है, यानी कि अब जो है ना कि इनका कोई रूम जो है कि वो सुरक्षित नहीं बचा जहाँ पे ये अपना रात गुजार सके। अपना एक घर के नीचे जो है ना कि इनका छत छिन चुका है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये घर में जो है कि हाथियों का कहर टूट पड़ा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से इनकी क्षति हुई है। और आपको बता दूं कि अब तक जो है कि 24 घंटा से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जो है कि सरकार के जो अधिकारी हैं, अब तक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो अब तक नहीं आए हैं। देखिए कोई ऐसा रूम नहीं बचा जहां पे जो है ना कि इनका सामान सुरक्षित रह सके, देखिए सामान किस तरह से बिखरा हुआ है। आइए हम सीधे जो है कि इस घर में रहने वाली उन्हीं से बात करते हैं कि कब ये हाथी आए और कब उनका जो है कि यहाँ पे इनके घरों पे तांडव मचाए, हम इन्हीं से जुड़ेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए किस कदर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो है ना कि हाथी का उत्पात जो है, हाथियों का उत्पात वो जारी है और वो तांडव मचाते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गीता कुमारी हस्बैंड लेट सुमन महतो, मेरा बेटा का नाम अरुण कुमार महतो, बेटी का नाम क्रांति कुमारी। गीता जी ये बताइए कि इस घर में कौन कौन रहते हैं आप लोग? मेरा 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी है, उन लोग इंटर लेवल में है और हम उनका मम्मी, बस 3 ही फैमिली तो रहते हैं। क्या करके गुजर बसर करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, सिलाई करते हैं, कंपनी में भी काम करते थे, अभी फिलहाल यहाँ दाना लगाने का था, हम फसल लगा चुके हैं, यहाँ अंकुर हो रहा है मेरा जी, जी, जी। पूरा मतलब तहस नहस किया है, देख सकते हैं पूरा। गीता जी ये बताइए जैसे कि इस गांव में जो है कि हाथियों का जो तांडव रहता है वो लंबे अरसे से आते रहते हैं, हाथी आते रहते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं, तो सरकार के जो वन विभाग के जो अधिकारी रहते हैं वो कभी आते हैं आपके गाँव में? पहले तो नहीं आए थे लेकिन रात में आए थे। रात में आए थे,
जब वो आए आपका घर जो है कि अब सर छुपाने के लिए आपका जगह नहीं बचा, आपका घर में किचन में जो है कि वो सारा सामान बिखरा हुआ है, पूरा घर ही तहस नहस हो गया, तो सर जब विधायक जी रात में आए थे तो उन्होंने क्या कहा? वो अपना वादा करके गए हैं कि अगर इंसान जो है व्यक्ति यहाँ रहने वाली जो भी है तीन फैमिली इन लोग अगर सुरक्षित है तो अगर घर द्वार जो टूटा फूटा है जो सामान जो है उसका हर्जाना हम सरकार से दिलाने का प्रयास करेंगे, वो अपना वादा करके गए हैं। गीता जी, अब तक कई बार देखा जाता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हाथियों का उत्पात होता है तो जो जिस ग्रामीण का क्षति हुआ है उनको वन विभाग की ओर से जो है ना कि उनकी जीवन यापन के लिए कुछ राहत दी जाती है, आर्थिक सहयोग दी जाती है। अब तक 24 घंटा बीत चुकी है, क्या आपको कुछ मिला अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो आपके घर से जो है कि ये ब्लॉक यहाँ से प्रखंड मुख्यालय या जो ब्लॉक है वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर है। फरमान जी, अब तो शाम हो चुकी है, मैं दिखाना चाहूंगा। गीता जी आप जरा इधर आइए, शाम हो चुका है क्या? अब शाम होने के बाद आप अमूमन जिस दिन घर अच्छा रहता था उस दिन आप सोने के लिए चिंता नहीं करते थे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा पीछे का नज़ारा दिखाएं कि अब देखिए कि रात हो चुका है, हम इस वक्त रांची मुख्यालय से आते आते जो है कि हमें देर हो चुकी है, तो हम इस वक्त पहुँचे हैं तो अब 6:30 बज रही है। अब गीता जी, अब आपको चिंता सता रही है या नहीं सता रही है कि अब हम कल तक सोते थे इसी घर में, खाना बनाते थे, आराम से सुकून से रहते थे, अब आपके सर से जो है कि छत छिन चुका है, अब क्या भय सता रहा है कि कैसे रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे? हाँ, सता तो रहा है, लेकिन देखिए अब सता रहा है लेकिन डर भी बसा हुआ है, अब क्या करें नहीं करें, ये तो पदाधिकारी का जो भी है सहयोग दिया जाए हमको रहने का, मेरा जो भी है जैसा घर था जैसा है, हम एक गरीब है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, क्या कमाने वाला भी नहीं है, मेरा दो बच्चे हैं, उन लोग को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप लोग देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको जब इनसे बात कर रहा हूँ तो इनकी गला जो है कि रौंद चुकी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से मायूस हो चुकी है, क्योंकि एक जो है ना कि अबला नारी, माने समझ सकते हैं इनके पति भी, पति के देहांत हो चुके हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं कि सरकार किस तरह से मौन है और वन विभाग किस तरह से जो है ना पीड़ितों को दर दर की भटकने के लिए छोड़ देते हैं। आप समझिए कि देखिए कि आंसू पोंछने पे मजबूर है, अब देखिए इनके ऊपर जो है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है और सरकार पूरी तरह से खामोश है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई झारखंड रांची राजधानी से कोई 300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की बात नहीं है, रांची जिला से ये अगर राजधानी मोरहाबादी यहाँ से कितना दूर है? 25 किलोमीटर। देखिए आप सुन रहे हैं, समझ सकते हैं कि 25 किलोमीटर की दूरी पे। अब ये बताइए कि यहाँ से ब्लॉक आपका कितना दूर है? 3-4 किलोमीटर। वीडियो बैठते हैं 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर अगर कोई पैदल जाए तो कितना देर लगेगा? वही लग जाएगा 15-20 मिनट। और बाइक से जाए तो? बाइक से जाएगा 10 मिनट में पहुंच जाएगा, हम खुद अपना स्कूटी से जाते हैं 10 मिनट। आखिर ब्लॉक में तो जाहिर सी बात है वीडियो बैठते हैं, तो वीडियो को इस बात की जानकारी होगी जब जब 25-30 हाथी आएंगे गांव में उत्पात मचाएंगे, तो यहाँ पे लगभग यहाँ 10,000 भी आदमी आ चुके हैं जी। लेकिन अभी तक कोई आदमी नहीं बोला है कि लोग रहेगा कैसे, और 24 घंटा में खाया कि नहीं खाया अभी तक कोई नहीं पूछा। सुबह की नाश्ता आप लोग कैसे किए? नाश्ता हुआ है अभी तक, तो समझ सकते हैं कि देखिए इनके पास में जाहिर सी बात है कि जिनका जब घर छिन जाता है, रात में ये खाना खाई थी या नहीं खाई थी हमें नहीं पता। देखिए अगर इनका आंसू गिर रहा है तो ये आंसुओं का जवाब जो है कि सरकारी अधिकारी को देना चाहिए। जब किसी का घर छिन जाता है तो वो बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि अगर हाथियों जहाँ पे उत्पात मचाएंगे क्षति करेंगे तो हम उन पीड़ित परिवार को अगर घर टूट फूट गया है तो मरम्मत कराएंगे या फिर घर देंगे, लेकिन आज इनके पास में जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर हैं और बात करें प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर है। अब देखिए कि अब जिस प्रकार से ये रो रही है, इनका आंसुओं का जवाब कौन देगा, आखिर इनका आंसुओं का कीमत कौन चुकाएगा? अब ये समझ सकते हैं कि इस भीषण बारिश में, अब जिस प्रकार से बारिश होती है बरसात के समय में, आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ रहेगी, कैसे सर छुपाएगी, खाना बनाने का भी इनका सारा सामान। हम और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे जो आसपास इस घर में रहती हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से ये हाथी को, हाथियों का जो उत्पात है। आइए, क्या नाम है आपका? क्रांति कुमारी। जब हाथी आए थे तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग घर से बाहर में थे। कितने हाथी आए थे? 25 से 30 तो होंगे। 25 से 30। हाँ। तो आप
आप लोग भगाने के लिए घर से, जब घर आप लोग का टूट रहा था तो बचाने के लिए आप लोग उन्हें दूर भगाने की कोशिश नहीं किए? और गांव का था बहुत कोई, हम लोग दूर में थे थोड़ा। किस क्लास में आप पढ़ती हैं? हम 12 में। आज स्कूल जा पाई थी? नहीं। तब तो आपका स्कूल भी, आपका सारा सामान तो टूट गया, बुक सब, कॉपी सब सब। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से बस यही कहना चाहेंगे जितना हम लोग का नुकसान हुआ है उसका भरपाई जल्दी करे, काहे कि बरसात का मौसम है और हम लोग रहेंगे कहाँ। मैंने इस बात का डर सता रहा है आपको कि कहाँ रहेंगे? जाहिर सी बात है कि कल तक आप इसी घर में रहते थे, सुरक्षित माहौल था, पढ़ाई करते थे, अब आपका कोई रूम बचा नहीं। नहीं। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से इनके घर के सामने अब जो है ना कि चटाई में ये लोग बैठने पे मजबूर हैं। देखिए किस तरह से मायूस होकर सुबह से ही बैठे हुए हैं। इनके पास खाने के लिए आज जो है कि लाले पड़ गया है। ज़रा सामने आ जाइए, किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा है, ज़रा उठ जाइए। तो हम सीधे जुड़ेंगे और इन्हीं से दुख दर्द इनका जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मूर्ति देवी है, उसका फुआ है हम लोग। अच्छा अच्छा, जो यहाँ हाँ, पर रहती है। हाँ, उसको, उसकी फुआ है। ना उसका डेढ़ सास है हम। अच्छा, डेढ़ सास। वो छोटी है, हम बड़ी है। अच्छा, मेरा भाव, मेरा भाव बहन दूठो है। कितने बजे रात में हाथी आए थे और क्या घटना? 10 बजे लगभग ने आए थे, 12-1 बजे सो 1:30 बजे खाक में निकल गया। 3 घंटा यहाँ पर घूर घूर को लात मना। इधर आ जाइए, जरा पीछे से आवाज आ रहा है। कितने कितने हाथियों जो है कि घर को तोड़ने में 20-21 हाँ, बल घूर घूर को पहले थोड़ा था मार लिया, और बाद उधर से टेक दिया, तहन घूर के बार बार को मार के मन चारों से घेवारा से तोड़ के बस खत्म कर दिया। सरकार के कुछ लोग आए थे क्या यहाँ पे? अधिकारी वन विभाग के लोग आए थे? मगर कोई नहीं कहा कि अभी देगा, लेट में देगा। तो इतना समझाती तत्काल का करेगा, कहाँ रहेगा बच्चा, का खाएगा ना खाएगा, उसको समझदारी कोई नहीं बताएगा। नहीं देरी होगा तो कुछ देगा लेट से, तो कहा हवा लिएगा। अच्छा वो बच्चा सोन है, इतना शक्ति नहीं है, मुखिया है, सरपंच है, सब का है, गाँव का है तो कोई सदस्य नहीं होता है, मगर नहीं कोई समझा। 5 किलो अनाज भी लाके अभी तक नहीं, 1 किलो नहीं, कभी कोई 1 कप चाह भी नहीं, अनाज नहीं, चाप। जिस प्रकार से इनके ऊपर जो है कि मुसीबतों का जो पहाड़ है इस परिवार पर टूट पड़ा है, आप समझ सकते हैं कि देखिए रात के अंधेरे में अपने सहयोगी से कहूंगा कि देखिए आप इस तरह से जो है ना खुले आसमान के नीचे आज ये लोग सोने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छर जो है कि उनका प्रकोप रहता है, कभी भी अगर बारिश आ जाए तो इनका कोई सामान जो है वो सुरक्षित नहीं बचेगा। खाने पीने के सामान हो या फिर कपड़ा है, जो घरेलू रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है वो सारा सामान जो है कि आइए इधर आइए देखिए। चावल था, हाँ चावल था, 2 ड्राम में और 2 बोरा में गेहूं था, सब निकाल के उन लोग खा गए। उधर बिखरा हुआ भी है, देख सकते हैं। और उधर बारी का जितना अंकुर हो रहा था ना, 1 एकड़ में मटर लगाए हुए हैं, अंकुर हो रहा है उसमें पूरा तहस नहस करके ड्रिप भी तोड़ दिया है, और पूरा खूंद खांद के मिल्चिंग लगा हुआ है उसको भी तोड़ दिया है, फाड़ फूड़ करके, मतलब उन लोग 3 घंटा तक यहाँ मतलब हरकत मचाए हैं। अब जो है कि अब 24 घंटा बीतने को है, जैसे 10 बजे का तो 24 घंटा हो जाएगा, तो सरकार की ओर से इतने जब नज़दीक है मुख्यालय आपका और मांझी ब्लॉक यहीं नज़दीक है, तो अब तक नहीं है, यानी कि सरकारी तंत्र जितने भी सरकार दावा करती है सरकारी तंत्र फेल नज़र आ रहा है आपको? हाँ फेल नज़र आ रहा है, अभी तक तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम जो पीड़ित परिवार है उनको मदद करते हैं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं मिला। नहीं आप सोचिए कि आप घर में कितने लोग हैं? आप लोग, हम लोग 3 फैमिली है, मेरा 2 बेटा बेटी है, हम है बस 3 फैमिली। हाँ ये मेरा बेटा है। इधर आना। क्या नाम है आपका? मेरा अरुण कुमार। तो आज स्कूल गए था? नहीं नहीं गए थे। कितने क्लास में पढ़ते हैं? हम भी 12th में। तो आज आपको भी डर लग रहा है फिर से कहीं हाथी ना आ जाए, इस बात का फिर से डर होगा? डर तो है, पूरा बोल रहा है पहाड़ तरफ ही है अभी तक से, इसीलिए डर का माहौल तो बना हुआ है। चलो सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ है? हम तो यही कह सकते हैं आज कि आप जितना भी आप लोग सहयोग मतलब कर सकते हैं, सरकार से हम यही मतलब हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरा जितना भी नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, उस सरकार भरपाई करे। तो ये थी गीता देवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हमारा जो घर था वो तो पूरी तरह से टूट चुका है, अब सरकार से ही जो है कि और वन विभाग से ही उम्मीद है कि देखिए ये जिला मुख्यालय से जो महज जो है कि 3 किलोमीटर की दूरी पे रहती है, और रांची राजधानी से जो है ना कि जो
और मांझी प्रखंड के अंदर गगारी गांव आता है, वो महज जो है कि 25 किलोमीटर है। अब देखिए, सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है कि हम अगर किसी परिवार पे, किसी ग्रामीण क्षेत्र पे अगर हाथियों का उत्पात होता है, वो तांडव मचाते हैं और किसी को क्षति होता है, तो हम उनका भरपाई करते हैं। लेकिन अब तक जो है इनके पास, जिस प्रकार से ये रो रही थी, जो पीड़ित परिवार है, वो बचा है देखिए, ना मेरा एक बर्तन बचा है, ना बेड बचा है, ना गोदरेज बचा है, ना पलंग कुर्सी टेबल टीवी जो भी है, फैन जो भी है, जितना ड्रिप में लगाने वाला मेरा मशीनरी चीज था, सारा कुछ मतलब बिखार के मतलब गए हैं। कुछ भी ऐसा चीज नहीं, मेरा तो सामान ही ड्रिप वाला ही सामान ही 1 लाख का है, मशीन और अलमारी सभी जोड़िएगा। हम लोग मतलब डिमांड मतलब पूरा मुखिया जी के साथ मतलब बैठ के यहाँ अथी किए थे, पूरा बारी का पूरा अथी करके हम लोग 9-10 लाख का पूरा घर सामान उमान टोटल मिला के टारगेट बैठा चुके हैं। बगान में भी वो क्षति पहुँचाए? हाँ, पहुँचाए हैं। पूरा मेरा पूरा जाली जितना लगा हुआ था ना, पूरा जाली को पूरा तोड़ते हुए गया है, मतलब जितना घेरावा किए हुए थे उसको कुछ भी नहीं रहने दिया। आप समझ सकते हैं कि इनका जो जिस प्रकार से जो है कि आर्थिक नुकसान हुआ है, काफ़ी सारा इनका जो है कि जो हाथियों का झुंड था वो काफ़ी नुकसान पहुंचाए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कितने जल्द इस परिवार को जो है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके ऊपर में आज जो है कि सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, अब इनका जो आसियाना था वो उजड़ चुका है। अब सरकार जो है कि इस मामले को लेकर कितने जल्दी जो है कि सजग होते हुए इस परिवार को राहत देने की काम करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।